9 साल पहले जो लड़की का रिश्ता लेकर आए थे। अच्छा, मुझसे शादी करने के लिए ऑफर दे रहे हैं, संपत्ति करोड़ों की। उसके पापा का तो पेट्रोल पंप भी था। रंजना से बात क्या करनी है, रंजना बगल में बैठी है, कुछ करोड़ों में खिलेगी रंजना। मुझे नहीं चाहिए। करूंगा मैं, करोड़ों के लिए दूसरी शादी जरूर करूंगा। और मम्मी ये नहीं मानेगी ना तो उसके हाथ पर बांध के डाल दूंगा। मुझे के मुंह में ना बस लोग उतावले हो रहे, बड़ी जल्दी मच रही है। तुमको पुलिस बुला लूंगी, डंडे पड़वा दूंगी, सबको अंदर करवा दूंगी। ठीक है तो दूसरी शादी होके ही रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ रंजना पे दूसरी शादी का प्रैंक। दोस्तों मैं ये प्रैंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रंजना और मेरा जब अफेयर चल रहा था, हम दोनों की शादी की बात जब बड़ी थी तो ऑलरेडी एक लड़की का रिश्ता आया हुआ था और वो रिश्ता मैंने तोड़ दिया था रंजना की वजह से। तो रंजना को ये वाली बात पता है, उस लड़की का फोटो शायद आज भी रखा हुआ है और रंजना देख के छेड़ती है अभी भी। तो बस उसी लड़की का दोबारा से शादी का रिश्ता आया है। क्यों? क्योंकि उस लड़की की हमने शादी तोड़ दी थी, उसकी वजह से उसकी शादी ही नहीं हो पा रही है। तो बस ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी। और मामा का फोन आया है दिल्ली से कि भाई शादी कर लो। तो बस फिर आगे सुन लो ना, तुम देख लेना पूरी वीडियो में देख लेना, ठीक है? तो देखते हैं रंजना के रिएक्शन क्या आते हैं। आई थिंक आज बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब करो और फेसबुक चैनल पर आया हो तो फॉलो कर लो, ठीक है? चलो मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाद मार दूंगा मैं, हटे बस यही काम है तुम्हारे पास। सच में आ रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, सच में देखो होएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो बैठ जा तुम्हारे पास, मैं क्या करूंगा तुम्हारे तुम्हारे तुम जैसी आती हो वैसी पाद आ जाता है, गर्मी आ जाती है शरीर में। जाओ ना तो बस ये सब करते रहा करो, बेइज्जती होगा वाले। मैं बाहर कहीं नहीं करता। अच्छा मेरे आने से तुम्हारे। अरे एक मिनट रुको यार, ये मम्मी की मिस कॉल पड़ी हुई है। मम्मी से आज मम्मी ने फोन किया था ऑफिस में। कर लो कॉल, बात कर लो। कर रहा हूँ। हेलो, नमस्ते मम्मी। हाँ हम तो अच्छे हैं। पता नहीं तुमने कब फोन किया ऑफिस में, फोन ही नहीं उठा पाया। मेरा भी फोन नहीं उठाते आजकल तुम। हाँ बताओ। अरे उसकी शिकायत तो छोड़ो, उसकी शिकायत तो दिन जिंदगी भर चलती रहेंगी, उसकी शिकायत कभी खत्म थोड़ी ना होंगी। बात तो सही है। लेडीजों की शिकायत कभी खत्म हुई है? अच्छा चलो बताओ आप। नहीं तो मामा ने तो कोई फोन नहीं किया। हाँ हाँ दिल्ली वाले मामा ने ही। नहीं तो क्या बात करनी थी उन्हें? वो 9 साल पहले जो लड़की का रिश्ता लेकर आए थे, तो हाँ तो वो तो टूट गई थी ना शादी। हाँ हमने तोड़ दी थी रंजना की वजह से। हाँ उसके पापा मामा से कह रहे हैं, मतलब मामा कह रहे हैं मेरे लिए रिश्ता लेकर आए दोबारा। हाँ हाँ उसकी शादी नहीं हो पा रही। अच्छा अब थोड़ी गूंगी हुई है वो। अच्छा हाँ तो जी तो चक्कर है ना, तो गूंगी हुई है तो पर कहाँ से कोई शादी करेगा। ले मैंने शादी तोड़ी, उसकी आवाज ही चली गई। अच्छा 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 मुझसे शादी करने के लिए ऑफर दे रहे हैं। ये क्या बात करते हैं यार। अच्छा तो उसके पापा क्या कह रहे हैं? अच्छा सारी संपत्ति करोड़ों की है मम्मी, तो उसके हो रहा है? तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? है मम्मी, उसकी उसके पापा का तो पेट्रोल पंप भी था। पैसा ही पैसा हो गया। अरे रंजना बगल में बैठी सुन नहीं है? हाँ कुछ नहीं कही। पैसा किसको बुरा लगता है, ये तो पैसे की सबसे ज्यादा भट्टी है ये तो। और क्या हाँ सही है मम्मी। अच्छा शादी करते ही सारी संपत्ति हमारे नाम पे करके तो खुद क्या वृद्धाश्रम चला जाएगा क्या?
अच्छा मतलब खुद के लिए फ्लैट ले रखा है उसके मम्मी पापा ने। हाँ तो ठीक है, अरे रंजना से बात क्या करनी है, रंजना बगल में बैठी है कुछ कह ही नहीं रही है, यानी इसके मन में भी हाँ होगी पैसे के लिए। दो तीन तो कोटी है उसकी, करोड़ों में खिलेगी रंजना। चुप बैठ जाओ, मुझे नहीं चाहिए। हाँ मम्मी वैसे तो रंजना से बात बता रही है ये सब मम्मी। चलो ठीक है मम्मी, मैं इससे बात करता हूँ दूसरी शादी के मैटर में। क्यों बता रही है, उनको मना नहीं कर देना चाहिए। अरे करूंगा मैं, करोड़ों के लिए दूसरी शादी जरूर करूंगा। और मम्मी ये नहीं मानेगी ना तो उसके हाथ पर बांध के डाल दूंगा मैं। आ रहा हूँ मैं कल दिल्ली। हाँ और क्या, अभी पैकिंग कर रहा हूँ मैं कपड़ों की। ठीक है, गिरगिटान की तरह तुमने तो रंग बदल लिया तरह। हाँ क्या गिरगिटान की तरह, पैसे के लिए बिक गए। जब बिकना हुआ तो मैं अकल है कुछ भेजे में नहीं। लड़की है गूंगी, बताओ तुम्हारे लिए कोई दिक्कत। मैं भी तो दूसरी शादी, अजय बताओ दो आफत कोई एक साथ एक घर में रखेगा। मैं एक ही से परेशान हूं तो दूसरी क्यों लेके आया था, क्यों लेके आ रहा हूं दूसरी मालूम है। पैसे का तो रीजन है पर गूंगी है। देखो तुमसे लड़ाई होगी नहीं, तुमसे कुछ कह नहीं पाएगी, मुझसे अपनी इच्छा जाहिर नहीं करेगी। तुम दोनों की लड़ाई भी हुई तो सिर्फ तुम्हारी आवाज आएगी, कितना फायदेमंद है। मेरा फायदा मत देखो, ठीक है मेरा फायदा मत देखो नवीन, मुझे कपड़े पैक करने दो यार। नवीन मुझे नहीं करनी है, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या, बोल दिया ना नहीं करनी मुझे। जल्दी कपड़े तय करने बैठ गए, कपड़े पैक करेंगे। कपड़े इसलिए पैक कर रहा हूँ, एक दिन में ही शादी होनी है बस, उसने कोई दावत वावत का कुछ नहीं है। अपने घर ही घर में शादी करेगा, घर में एक फंक्शन रखेगा, उसके सारे रिश्तेदार होंगे। बैठ जाओ, मैं अपने किसी रिश्तेदार को बुला नहीं रहा। मुंह बनो बैठ जाओ, लड्डू फूट रहे मुंह में इनके। शादी करें चल बैठो, किसने बेवकूफ बनाया तुमको, ठीक है। मम्मी ने किसी ने किसी से ऐसे मजाक में कह दिया होगा मम्मी से। किसी ने कोई मजाक नहीं करा है, करोड़ों का सवाल है, करोड़ों का, ये तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अरे मेरे जीते जी तो होगी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगी किसी शादी को। तू नहीं करने देगी, मैं पहले कह दी हाथ पर बांध के डाल दूंगा मैं। कर लोगे लीगल हो, मुझसे शादी करी है, बिना डावर्स के कैसे कर लोगे तुमसे शादी। कहां जा रहे हो, बड़े उतावले हो रहे हो, बड़ी गंदी मच रही है तुमको। रुको जरा सबर करो, टिकट भी बुक करानी है। नहीं बहुत ज्यादा गंदी मच रही है। हाँ कपड़े पैक करने हैं दो दिन के। तुम्हें लग रहा है मेरे जीते जीते तुम इस गेट से बाहर निकल पाओगे। इस गेट से तो अभी निकल के दिखा दूंगा मैं। मैं नहीं मानता, दिखाना मेरी लाश पर जाओगे जाना पड़ेगा। लाश पर जाके दिखाना तुम। ए लाश तो कहूं नहीं है, तुम पुलिस बुला लूंगी, डंडे पड़वा दूंगी, सबको अंदर करवा दूंगी, ठीक है। वाह दीदी वाह दीदी, ध्यान रख लेना, सबको अंदर करवाएगी जब मैं शादी कर रहा हूँ, और थोड़ी ना कर रहे हैं घर वाले सब। और वो जो लड़की का पिता है, वो जो फोन करके जो ये ऑफर दे रहा है कि मेरी बेटी शादी कर लो, उसको घर भी गड़वा रहा है ना, घर भी गड़वा रहा है ये। जो जो इसके बीच में इस मैटर में पड़ेगा ना सबको, मेरे घर वालों को भी, जो इस मैटर में पड़ेगा बीच में सबको अंदर करवा दूंगी मैं। हाँ चल देख लेंगे, पहले अभी तेरा मुंह बंद करके और पढ़ दूंगा ऐसे ऐसे। बहुत ज्यादा चिल्ला रही है ना, अभी मुंह का ना ये बिगाड़ दूंगी, कर लेना। रुक जा अभी मुंह बांध तेरा, रुक जा। बस डाल दूंगा अभी, ऐसे ही मुंह बांध दूंगा तेरा, बांध दूंगा मुंह, पता भी नहीं पड़ेगी किसी को कि कहां गई रंजना। बुलाओ सबको, फोन करके बुला दूंगी, सबको फोन करके बुलाएगी अपने मम्मी पापा को। मम्मी पापा को अभी तो तू पुलिस को लाई थी, अब मम्मी पापा को क्या, यहाँ पर दावत हो रही है कि पहले मैं पुलिस को बुलाऊंगी कि फिर मैं घर वालों को बुलाऊंगी। बुलाती हूँ ना मम्मी पापा को भी, फोन करती हूँ सबको, पुलिस को मैं बुला रहा हूँ, नहीं मैं बुला रहा हूँ मम्मी पापा को, नहीं बुला रहा ना मम्मी ने मत बताया। तो मुंह में लड्डू फूट रहा है ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, तुम रख लो। क्यों नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, बुराई क्या है, तुम पहले ठंडे दिमाग से मेरे को जवाब दो, पहले क्या कमी है। अरे यही समझ लो कि जैसे कि और दूसरे घरों में हेल्पर आती है, हेल्पर समझ लो। ऐसे कौन शादी करता है, कौन करता है ऐसे। देखो बोलेगी तो है नहीं वो मुझसे, एक बीवी हो क्या पता झूठ बोल रहे हो, उसकी जबान बोलती हो तो। नहीं नहीं बोलती, तुम्हें कैसे पता, मम्मी खुद बता रही थी। मम्मी कहती इसको मतलब नहीं बोलती, मम्मी क्या सुन के आई उसके बाद। मम्मी क्यों झूठ बोलेंगी, मम्मी ने भी तो इसलिए कही है कि चल गूंगी है तो शायद कर ले। मम्मी भी बड़ी खुश हो रही है, शायद कर ले। मम्मी ना वो समझा रही है ना, तुम ना, मम्मी ने करने को नहीं बोला यार, मम्मी ने तो बताई है सिर्फ मामा का ऐसे ऐसे तेरे पास फोन आया था क्या,
मामा कर रहे हैं पीछे पड़े हुए, मामा को 1 करोड़ रुपए। तो मामा ही कर लेंगे। मामा कह रहे थे कि अगर कर लेगा तो 1 करोड़ रुपए। मामा मामा भी करा दो ना। मामा कहां से कर लेंगे, मामा बड़े हेल हो चुके। तो फिर हमारी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? अरे यार तुम क्यों गुस्सा कर रही हो जब मैं तुमसे कह रहा हूँ? अच्छा मैं तुम्हारे संग ही सोऊंगा, उसके संग नहीं सोऊंगा। वो तो मुंह से कुछ बोलेगी नहीं, वो तो करेगी नहीं कि ऐसी ऐसी कर दो। जिंदगी के मुंह में ना बस हमेशा यही सब उल्टे सीधे वर्ड रहते हैं, यही दिमाग में चलता रहता है। कोई नहीं आएगा इस घर में, ना कोई यहाँ से बाहर जाएगा। बाहर तो अभी जाके दिखा। अरे तो अभी तो ऐसे ही जा रहा हूँ ना बाहर। जी क्या है जी, ए माधुरी दीक्षित बना रही हूँ मुझे। मस्त जोक मारा रे। माधुरी दीक्षित नहीं, वो बना दूंगी अभी। वो कौन है? गजनी की औलाद। नहीं वो है ना वो हाई गर्मी वाली, क्या नाम है उसका, वो बना दूंगी। पहले तुम नाम याद कर लो टीवी में से, मैं जब तक आ रहा हूँ। अरे कहीं नहीं आ रहा, बाहर तो नहीं आ रहा हूँ, कपड़े देख रहा हूँ बस की प्रेस है ऑफिस के लिए देख रहा हूँ बस। तो ऑफिस भी नहीं जाओगे? ऑफिस से क्या पता निकल गए वहां? तो ऑफिस तो जाऊंगा भाई, ऑफिस से कल मीटिंग है बॉस ने बोला है। निकल गए तो कल दिवाली स्पेशल मीटिंग है। ऑनलाइन अटेंड कर लेना। ऑनलाइन अटेंड क्यों कर लेंगे, जब साइन होंगे तो वहां पे। पागल हो ना, पुलिस को पता है तुम्हारा क्या प्लान है? तुम्हें ना ना अच्छा लग जाएगा। क्या अच्छा लगता है? मैं हूँ, मेरे होते हुए कोई और औरत यहाँ आकर के रहेगी मेरे सामने, मेरी चौथन बन के, मैं मुझे अच्छा लगेगा, मैं रह लूंगी इसके साथ। मैं नहीं रह पाऊंगी उसी के साथ, रहना तुम घर में चली आऊंगी तुम्हें डाउस दे के, ठीक है? ले आओ उसको शादी करके, उसी को रख लेना, मैं नहीं रहूंगी। इतनी खुशी तुम यार सही बता रहा हूँ, तुम समझती नहीं हो बस कि मेरी स्वतन आएगी जी आएगी। अरे आदमी सौतन में हो रहा हूँ, सौतन के रूप में लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी लक्ष्मी तुम्हारी जेब में जाएगी ना, मुझे नहीं पसंद है ऐसी लक्ष्मी। मेरी जेब से ही तो ऐश कर रही तुम। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी ऐश। पर पैसा मत मांगा कर, पर मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए, पहले से क्यों बता देती हो? मेरे लिए तुम लेके आ रहे उसको, है ना? और क्या? तो जरूरत है, मेरी जान नहीं खाओ तुम। नहीं तुम तो हवा खाते हो, पानी पीते हो, तुम तो बिना पैसे की जी रहे हो ना। समझी नहीं, तुम ज्यादा पैसे खर्च करती हो, तुम्हें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए चलो तोता के छोड़ दूंगी, बता रही हूँ। साले सौतन 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 के चक्कर में आदि पिटता है। ले आया मैं अभी, बात ही तो कर। बोल तो रहे एक दिन में करनी है, जानी है, ऑफर मिल रहा है करोड़ों का, कोई और कर ले तो फिर इसमें ही भग रहा था मैं। मतलब तुमको खुद को जल्दी पड़ रही है ना करने की, जाने की पड़ रही है ना, हैं? बोलो। हाँ जाऊंगा। करो यानी पक्का करोगे? ठीक है तुम रह लो उसके साथ ही, ले आओ मैं जा रही हूँ। अभी जा रही हो? बिल्कुल चली होंगी मैं। चली जाओ। पार्टी बदल लिया साला। क्योंकि करोड़ों में तो मैं तुम्हारी जैसी और ले आऊंगा, बातें शादी करके, करोड़पति से शादी करके लड़की थे तो तुम जैसी 10 और ले आऊंगा। कुत्ता ये नहीं सुध रहा है। खत्म। जोर की पड़ी है। जमान में लगा लगा रहे, शर्म कर लो, बच्चा है मैं। तो वो तो मेरा नहीं रहेगा। ये जो टाइम होता है ना, समय जो उम्र होती है ना, ये निकल जाती है सब। वो तो हमारे संगीर मेरे संग रहेगा ना, तुम तो छोड़ के जा रही। अच्छा तुम इसको छोड़ के जाऊंगी? जिसका पैसा उसकी भैंस, जिसका भैंस उसकी लाठी। तुम लुगाइयां लाला कर रखते रहना, तुम क्या करोगे बच्चा लाला के? इतनी सारी लुगाइयां लाओगे तो कर लेना बहुत सारे बच्चे। वो तो अरे एक डायलॉग, वो तो एक डायलॉग मार रहा हूँ ना मैं। बहुत देर मारी है तूने, मेरे हड्डी में लग गई है। लाओ सही कर दो फिर से। इसकी माँ का भोला चेहरा। मैं इसलिए डायलॉग मार रहा था कि तुझे ऐसी 10 ले आऊंगा, तुम जा रही थी मैं अभी जानी हूँ छोड़ के, ऐसी लिए तो ले आओ ना। अच्छा ठंडे तुम राजकुमार हो रहे, बड़े हीरो हो रहे। अच्छा एक बार और कन्फेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, शांति से बैठा तुम मेरे संग, शांति से बैठा, शांति से बैठा। मैं यहाँ नहीं बैठूँ, मैं तो यहाँ बैठूँ। लो अच्छा सुन, मेरी बात सुन, देख अब बोलोगे? मैं सोच रहा हूँ क्या कन्फेस करूँ, क्या बोलूँ जिससे तू मान जाए। यार आदमी को पता भी नहीं क्या बोलना है। बेइज्जती अपनी करा ली ना। मैं ये कह रहा था कि मैं ना एक घर में नहीं रहेंगे, बस हम अगल बगल 2 घर लेंगे, सिमटे मतलब चुपके हुए, फ्लैट मान ले या घर मान ले, कॉलोनी में अगल बगल 2 घर, वो अलग रहेगी तू अलग रही हो। तो कभी मैं यहाँ, मैं उसके पास सिर्फ दिन में जाया करूंगा, बस पूरा दिन तेरे पास, मतलब रात और दिन तेरे पास, मैं उसके पास सिर्फ दिन में जाया करूंगा 1 घंटे के लिए,
मतलब वो भी नहीं उसका हाल चाल लेने, मुझ पे एहसान करोगे है ना। और उसके पास सिर्फ एक घंटे के लिए जाकर रहूंगा कि उसके साथ एक बार खा लूं और नेक्स्ट दिन मैं नेक्स्ट सो लूं। अरे तो कोई लड़की आएगी शादी करने के लिए तो यार वो उसको खुशी नहीं चाहिए होगी क्या? समझ रहे हो, समझ रहे हो? मतलब उसके उसका हम पूरे पैसों का मजा ले रहे हैं तो नेगा उसको मजा नहीं देंगे क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, है? वो लड़की मजा नहीं लेंगे, दूंगा उसको लड़की को मजा ही देते दुनिया की और तो मजा देती दुनिया को मजा देने के लिए बने। यार इतनी सी बात समझ में नहीं, दिक्कत क्या है? अब मतलब चल ठीक है, एक घंटे के लिए भी नहीं आऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, 15 मिनट के लिए चला जाया करूंगा बस उसके पास, ठीक है? कसम करने बाद में मुंह बोल दूंगी मैं। अब क्या औरत दूसरी शादी करके आएगी तो क्या वो मतलब सोएगी नहीं संग में? आएगी मेरे जीते जी बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है? चल ठीक है ऐसा करते हैं, मैं शादी कर लेता हूँ उससे, ले आने देता हूँ, उसके पास बिल्कुल नहीं आऊंगा, ठीक है? अब तो तैयार है? नहीं उसका अचार डालेंगे फिर हम ला करके। अरे पैसा नहीं समझ में आ रहा तुझे? नहीं तो बिना उसके उसको मतलब घर पे लाकर रखेंगे, उसको बाप आके देखेगा नहीं, जब उसका बाप शादी करवा रहे तो वो आके देखेगा नहीं मेरी बेटी कैसी रह रही है। अरे मैं कह रहा हूँ सुनो, उसके संग नहीं रहूंगा, ना बात करूंगा, ना चीत करूंगा, वैसे भी वो गूंगी उसके संग बात क्या करूंगा, ठीक है? ऐसा करेंगे मैं बताऊँ, सही बताऊँ, उसका पैसा लेके ना फिर हम उसको परेशान करेंगे, वो अपने आप भाग जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस पर डंडे पड़वा देगी वो, ठीक है? मैं कह दूंगी कि हाँ यही बंदा, इसी को पकड़ो, इसी को जूता मारो, यही लेके आया है। मैं तो ये सोच रहा था कि तू वहां कर देगी, चलो उसके पास नहीं आऊंगा, करता मैं उसके पास जाना स्टार्ट कर ही देता। मुझे पता तो कब क्या होगी तुम्हारी यही असलियत है। मुझे ऐसा ऑफर मिले तब क्या होगा बताओ, बताओ नहीं बताओ ना, अगर मुझे ऐसा ऑफर मिले तो, कोई मुझे ऐसा ऑफर दे तो मुझे छोड़ के ही चली जाओगी, है? मुझे पता है मुझे छोड़ के ही शादी कर लोगी, मैं तब भी तुमको संग में रख रहा हूँ मैं। हाँ तुम तो बहुत चालू हो बेटा, छोड़ चली हूँ। हाँ साले तुम उसमें भी अपना फायदा ढूंढ रहे, तुम दूसरी कर लोगे। आदमी बहुत चालू आदमी है, एक नंबर का, कैसा पागल आदमी मेरे पल्ले पड़ गया। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं चुपके चुपके ही करनी पड़ेगी दूसरी शादी, हो तो ये पता ही नहीं पड़ेगी। करके देखना अब, मतलब अभी नहीं, मतलब जब तू बातों को भूल जाएगी तब करूंगा, फिर कभी चुपके चुपके करो। हाँ चुपके कर लूंगा, वो अलग रहेगी, तू अलग रहेगी, जिंदा रह लोगे, तुम जिंदा रह लोगे, कीमा कलेजी बना दूंगी तुम्हारे। अभी तुम्हारे दे रही है, अभी नहीं ढंग से प्रैंक करने दे रही, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। अब तो दूसरी शादी होके ही रहेगी, अब दूसरी शादी होके ही रहेगी, प्रैंक चलना पता चल गया, अब दूसरी शादी होके ही रहेगी, प्रैंक चलना पता चल गया मुझे, बोल दिया मुझे ध्यान भी नहीं रहता है। अरे तो तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो और चिढ़ा रहा हूँ, अब तो दूसरी शादी होके ही रहेगी, अब तो दूसरी शादी होके ही रहेगी, असलियत में और क्या कर ले। चलो फ्रेंड्स बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चलो बाय।